स्वागत है। आजकल कोरोना वायरस की महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए अपने घर में रहें और सभी को घर पर ही रहने के लिए कहें। बार बार हाथ धुलें, सभी रिश्तेदार पड़ोसी व अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखें एवं यदि घर में कोई मरीज है तो उसका विशेष ध्यान रखें। भोजन पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार लें। मैंने देखा है कि हम लोग जब भी किसी विषय वस्तु को याद करते हैं तो वह कुछ दिनों तक तो याद रहती है, परंतु कुछ दिनों बाद वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए कोई टॉपिक किस तरह से याद किया जाए कि वो एक बार याद करने के बाद वो हमें हमेशा याद बना रहे, इसके लिए हम कई तरह के आइडिया का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है निमोनिक्स। उदाहरण के लिए, मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। इन 8 भागों में से याद करें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सब्सक्राइब माय ज्ञान शक्ति चैनल। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं। पी से प्रोनाउन, ए से एडजेक्टिव, एन से नाउन, वी से वर्ब, ए से एडवर्ब और बी से प्रीपोजिशन, सी से कंजंक्शन, आई से इंटरजेक्शन। इसका ये निमोनिक है। पेन वापसी शब्द अटपटा जरूरी है, लेकिन जब हम लोगों के एग्जाम होते हैं तब उसमें तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे हमें याद आ सकता है। सपोज कीजिए जैसे हमारी एग्जाम है तो आ गए हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई एक पार्ट भूल जाते हैं तो इसकी मदद से हमें वो पार्ट याद आ सकता है। ये याद करने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसकी सहायता से हम इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। इस विधि से मेरे भरत भैया ने पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर ली थी जो कि टीचर्स तक को याद नहीं होती है। ये बहुत सफल ट्रिक है, इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। डालती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाई में सहायक लगी हो तो मेरे वीडियो ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक और शेयर करें और कोई सुझाव या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समय समय पर मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ा।